मन, आप जब एक छोटे से बच्चे थे, जब पैदा हुए, आपको ये नहीं पता था कि ये कौन है, आपको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, आपको नहीं पता था कि मकान क्या है, आपको नहीं पता था कि मुझसे कुछ बोलना भी होता है। उस समय जो वो अबोध नेचुरल रूप से रिएक्ट कर रहा था, वो मन का बहुत आंशिक रूप था। क्यों? क्योंकि वो ट्रेवल करता है जन्म टू जन्म, एक जन्म से दूसरा, तीसरा, चौथा, और वो मेमोरी कैरी करके चलता है। उसके में सुप्त है बहुत परसेंट में, बहुत कम परसेंट में, उसमें बहुत सुप्त है। जैसे जैसे वो डेवलप होता है और उसके अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है, ऊर्जा बनती है, झूठ बनता है, मम्मी पापा, मेरा मकान, मेरी जीभ, मेरा कपड़ा, ये झूठ बन रहा है धीरे 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 धीरे। और जब ये बन रहा है तो मेमोरी में चला जाता है और एक एक सेल में चला जाता है। आपकी एक एक सेल की मेमोरी है। आप कभी किसी चीज से जले होंगे, किसी ऐसी चीज से जो प्रकाशमान है, रंग उसका येलो है, पीला है। आप जीवन पर्यंत भीतर तक उस मेमोरी को निकाल नहीं पाएंगे। अगर कोई बल्ब ठंडी प्रवृत्ति का भी है, अगर कोई ऐसा प्रकाश ठंडी प्रवृत्ति का भी है, तो आपका हाथ, आपकी बुद्धि उसको रोक देगी कि नहीं नहीं हाथ जल जाएगा। उस मेमोरी में वो चीज़ चली जाती और वो एक जन्म से दूसरे, तीसरे, चौथे कैरी फॉरवर्ड चलती है। तो बहुत एक छोटे से एक बिंदु में समाई होती है। जब वो चेतना उतरती है और मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से फिर वही चीज़ों को डेवलप होता वो देखती है, तो वो और स्ट्रांग हो जाती है और धीरे 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 उस भ्रम को सत्य मान लेती है। और जब वो सत्य इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप बिल्कुल उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ पाते हैं कि यही सत्य है, तब उस अवस्था को मन की अवस्था बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राणों से ही उपज रही है और प्राणों में ही चली जाएगी। प्राणों के किसी एक केंद्र में उसको स्थापित किया हुआ है इस अस्तित्व ने, उस मेमोरी को। और जब वो धीरे धीरे आपको आसपास वाले जब उसको स्ट्रांग करते जाते हैं, तो वो डेवलप होती चली जाती है। और इस जो इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, मय के माध्यम से, अपने त्वचा के माध्यम से, सुगंध के माध्यम से, जो जो उसको अनुभव हो रहा है, सब इकट्ठा होता चला जाता है और उस भ्रम को और सत्य बनाता चला जाता है। इस भ्रामक सत्य को ही मन बोलते हैं। और जब आपकी जागृति, आपका कैवल्य घटित होता है, तो आपके भीतर उस पर चोट पड़ती है। आप पूरा का पूरा धराशाही हो जाते हैं। और जब पूरा का पूरा धराशाही हो जाते हैं, तो आपकी एक एक मेमोरी हमेशा के लिए इलोप हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। तो जो जहाँ से निकला था, जिस प्राण के सूत्र से वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, अपना झंडा हिला रहा था, वो उन्हीं प्राणों में ही खत्म हो जाता है और उसकी सत्यता में डूब जाता है। वो अंधकार है, उस सत्य के प्रकाश में डूब जाता है हमेशा के लिए, और उसकी सत्यता में डूब जाता है। वो अंधकार है, उस सत्य के प्रकाश में डूब जाता है हमेशा के लिए।